नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम। एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे आपको ले चलते हैं परासिया। स्टेट हाईवे 90 मिल्टन परासिया के बीच पहाड़ी का भूखलन एवं सड़क का खतरनाक मोड़। कई मोटरसाइकिल चालक दिन भर में होते हैं दुर्घटना का शिकार। परासिया से 3 किलोमीटर दूर तराई क्षेत्र में बसा न्यूटन चिट्ठी का सफर दोपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षित नहीं। स्टेट हाईवे 90 सतपुड़ा की वादियों के बीच कई खतरनाक मोड़ से होकर गुजरता है। ऐसा ही गांठ सेक्शन पर खतरनाक मोड़ न्यूटन और परासिया के बीच एक्स ड्राइव जो दोपहिया वाहनों के लिए काल का कल साबित हो रहा है। बरसात में पानी के रिमझिम फुहारों या मुट्ठी भर रेत या चौपहिया वाहन से गिरा बूंद बूंद आदि संपर्क में आते ही दिन भर में कई वाहन फिसल कर गिरते हैं और चालक घायल एवं चोटिल हो जाते हैं। वर्षों पूर्व छिंदवाड़ा से मटकुली तक इस सड़क का निर्माण हुआ था। स्थानीय लोगों का शिकायत पर निर्माण कंपनी से खुलाई सड़क पर खाते बनवाई दी जिससे वाहन न फिसले, लेकिन आज भी दिन भर में कई वाहन चालक फिसल कर गिरते हैं। फिसलते समय दूसरे वाहनों के संपर्क में आने से उन्हें भी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। इस खतरनाक मोड़ की दुर्घटना को रोका नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसका परिणाम दुखद होगा। सड़क निर्माण में हुई तकनीकी खामियों का सुधार नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, न ही दिन भर की फिसलन से होने वाली दुर्घटना को। देखना होगा शासन प्रशासन का ध्यान किस ओर तक जाता है। यह समस्या जल्द ही तक बनी रही। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल जैन। करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी में 6 महीने से फरार चल रहे चंपू अजमेरा को आज क्राइम ब्रांच की टीम ने सावेर से गिरफ्तार किया है, जिसमें अलग अलग मामले थाना क्षेत्रों में अलग अलग अपराध जमीनी धोखाधड़ी के दर्जे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने आज चंपू अजमेरा को उज्जैन से इंदौर आते वक्त सावेर के पास से गिरफ्तार किया है, जहां चंपू अजमेरा पर 18 से ज्यादा जमीनी की धोखाधड़ी के मामलों में FIR दर्ज है। 6 महीने से चंपू अजमेरा फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था, जहां पर आज क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। लगातार इंदौर शहर की पुलिस व क्राइम ब्रांच चंपू अजमेरा की तलाश कर रही थी। वहीं चंपू अजमेरा की पत्नी व उसके परिजन को भी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। आज जहां उज्जैन से आते समय सावेर के बाद पुलिस को सूचना वाली थी, जहां पर फॉर्चूनर से चंपू अजमेरा को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया, जहां अलग अलग जमीनी धोखाधड़ी के मामले में 18 पंजीबद्ध अपराध है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। हाथ लगाएंगे बस अभियोग करूंगा मैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगोरों ने अब ठगी करने के लिए एक नया फार्मूला इतिहास किया है। इंदौर शहर में अब तक ऑनलाइन साइट सिर्फ रुपयों को लेकर ठगी कर रहे थे, लेकिन अब पेरेंट्स को बच्चों के एग्जाम में कम मार्क्स आने और उन्हें पास कराने जैसे भी शॉर्ट कॉल आने लगे हैं, जिसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में की गई है। वहीं क्राइम ब्रांच ने अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए ऐसे शॉर्ट कॉल की शिकायत साइबर सेल द्वारा जारी किए गए नंबरों को करने के लिए कहा है। इंदौर शहर में लगातार क्राइम ब्रांच एडवाइजरी जारी कर लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। फ्रॉड किस तरीके से आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, वही इंदौर शहर में बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें स्पून कॉल जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंक कंपनी के टोल फ्री नंबर के नंबरों को आगे पीछे कर या बदल कर हुबू देखने वाले नंबर के माध्यम से लोगों को फोन लगाकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे लोगों की शिकायत साइबर सेल व क्राइम ब्रांच के अंदर करने की अपील की है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रियासतकालीन सरोवर दलपत सागर को बचाने के लिए जिला प्रशासन और निगम प्रशासन ने बेड़ा उठाया है। इस तालाब का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर ने साइकिल की सवारी भी की है। दरअसल दलपत सागर बस्तर का ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, जिसे बस्तर के राजा दलपत देव ने बनवाया था। लगातार हो रही अतिक्रमण व निर्माण कार्य से अब दलपत सागर की अस्तित्व दयनीय हो गई है और इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में बस्तर के नवपदस्थ कलेक्टर ने इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। दलपत सागर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी से सुझाव लिए और अब तक इस तालाब के संवर्धन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी ली। गौरतलब है कि जगदलपुर शहर के मध्य स्थित रियासतकालीन धरोहर दलपत सागर से बस्तरवासियों की यादें जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इसे अस्तित्व को बचाने स्थानीय लोगों द्वारा समय समय पर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी किए जाते रहे हैं। इधर प्रशासन द्वारा इसके संवर्धन के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे के बावजूद यह सागर अब अपने अस्तित्व को खोते हुए सिमटने के कगार पर पहुंच गया है। फिलहाल नए कलेक्टर के द्वारा इस तालाब का मुआयना करने के बाद बस्तरवासियों में एक उम्मीद की किरण जागी है। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी।
अनूठे रिकॉर्ड के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले इंदौर शहर ने आज एक बार फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शहर में 10,000 लोगों ने एक साथ सोशल मीडिया के जरिए योग किया। दरअसल इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बाबा रामदेव के साथ एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऑनलाइन कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने इंदौर शहर के लोगों को योग से जुड़े टिप्स बताए, जिनसे कोरोना वायरस से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। फेसबुक ट्विटर एप्लीकेशन के माध्यम से 10,000 से अधिक लोग कार्यक्रम से जुड़े। इस कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी सूचना दी गई थी। कार्यक्रम के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है। आयोजन की समाप्ति के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की तरफ से आयोजन को लेकर सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। इंदौर एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिन का होगा। इसे देश के 116 जिलों में चलाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल हैं। इस योजना का मकसद कामगारों को उनकी रुचि के अनुसार स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें सड़क, ग्रामीण, आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण और सिंचाई, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और जल जीवन मिशन जैसे काम शामिल हैं। इस अभियान को लागू करने से पहले सरकार ने स्किल मैपिंग की है। योजना के शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से जुड़े। उम्मीद की जाना चाहिए कि प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। बरसात के मौसम में अवैध कचराधारियों का मकान तोड़ने से उनकी हालत बदतर हो गई है। उनका आरोप है कि बरसात के मौसम उनके घर तोड़ने पर अब वो किराए पर जाए कहां। सीएसडी नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम बुधवार स्थित सीएसडी की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की। 2 दर्जन से भी अधिक मकान ढा दिए गए, लेकिन बरसात के समय में कार्रवाई करने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई के बाद से वो जाए तो जाए कहाँ। कोरोना काल में मकान किराया पर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई परिवार है जो कार्रवाई करने के बाद खुले में ही छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरी रात जागते रहे। उनके घर पर चूल्हा नहीं जला, भूखे ही सोना पड़ा। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इस कार्रवाई के बाद लगभग 17 परिवार रात भर खुले पर ही चलते रहे और वहीं किसी के घर का चूल्हा नहीं जला। नगर निगम पर इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें कार्रवाई से पहले कुछ समय देना चाहिए था। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। आज यानी कि 20 जून को राजधानी भोपाल में मानसून आने की संभावना, किसानों को मिलेगी राहत। इस बार का बारिश का जो मानसून है सही समय पर आया है। तो जो प्री मानसून है वो 15 जून और 16 जून को आया था और इसके बाद जो प्रॉपर मानसून है वो 20 जून को आने की उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मानसून अगर समय पर आता है तो बारिश भी अच्छी होती है, उससे सूखा पड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसी के चलते मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रॉपर मानसून आने से, सही समय पर मानसून आने से अच्छी बारिश होगी, उसका सीधा सीधा लाभ प्रदेश के उद्योग के किसानों को मिलेगा। मानसून के सही समय पर आने से अच्छी बारिश होती है, उसका सीधा सीधा जो लाभ है वो किसानों को मिलता है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि इस बार मानसून प्री मानसून भी समय पर आया है और जो प्रॉपर मानसून है वो भी समय पर आया है, जिससे बारिश अच्छी होगी, उसका पूरा पूरा लाभ प्रदेश और देश के किसानों को मिलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद मिश्रा। प्रदेश माफियाओं द्वारा मारपीट की घटना के बाद घर के सीएम भूपेश बघेल, कहा छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले में रेत माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बघेल ने कड़े शब्दों में कहा है कि पूरे प्रदेश में चाहे वो रेत का मामला हो या अन्य किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। असल सरकार द्वारा रेत खदानों में प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद धमतरी में धड़ल्ले से अवैध रेत खनन का काम चल रहा था। इसी को रुकवाने वहाँ के जिला पंचायत सदस्य पहुँचे थे, जिनके साथ रेप माफियाओं ने मारपीट कर उनका अश्लील वीडियो बनाया था। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 7 आरोपियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। कांग्रेस विधायक के बाद अब बीजेपी विधायक भी आए कोरोना की चपेट में। मालवा क्षेत्र के विधायक ओपी सकलेचा और उनकी पत्नी को आया कोरोना पॉजिटिव।
कांग्रेस विधायक के बाद अब कोरोना वायरस ने बीजेपी विधायक पर भी अपनी दस्तक दे दी है। मालवा क्षेत्र के विधायक ओपी सकलेचा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं पर ओपी सकलेचा की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बीते दिन हुए राज्यसभा चुनाव में ओपी सकलेचा शामिल हुए थे। विधायक ओपी सकलेचा कल हुए राज्यसभा चुनाव में हुए थे शामिल। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। राजधानी में बढ़ते भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए टीम गठित। हर 3 घंटे में होगा चौक चौराहों सिग्नलों में गश्ती। दरअसल रायपुर में पैर पसारते भिक्षावृत्ति में रोक लगाने के लिए टीम गठित किया गया है। बाल सुरक्षा एवं विकास अधिकारी नवनीत ने बताया है कि राजधानी में गठित टीम में 6-6 सदस्य 3 टीम का गठन किया गया है। टीम में महिला बाल विकास, चाइल्ड लाइन, बचपन बचाओ आंदोलन, आभास एवं पुलिस शामिल है। तो वही बताया कि निरीक्षण के दौरान भिक्षावृत्ति करते पकड़े गए लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। दूसरे राज्य के होने की स्थिति में उन लोगों को उनके राज्य भेजा जाएगा। साथ ही बाल सुरक्षा एवं विकास अधिकारी ने बताया कि बाल श्रम पखवाड़े के दौरान 10 बाल श्रम 2 महिला भिक्षावृत्ति में पकड़े गए थे, जिसके आधार पर ये टीम का गठन किया गया है। इस पहल को सभी ने सहारा है क्योंकि मजबूरी में कई लोग भिक्षावृत्ति की रुख अपना लेते हैं। अब देखना ये होगा गठित टीम अपने जिम्मेदारी से कितना अपने कार्य को निभाती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्याराज। लॉकडाउन पीरियड में लोगों को राशन बांटने वाले मुंगेली जिले के राशन विक्रेता ही इन दिनों भूखमरे की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इनको पिछले 4 माह से कमीशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है। कोरोना संकट काल में पिछले 3 से 4 माह तक लोगों को निःशुल्क राशन बांटने वाले पीडीएस विक्रेताओं को अब भूख मरने की नौबत आन पड़ी है। दरअसल पीडीएस विक्रेताओं को राशन की बिक्री करने पर शासन की ओर से कमीशन दिया जाता है, परंतु पिछले 3 से 4 माह तक राज्य शासन के निर्देशानुसार इनके द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण तो कर दिया गया है, मगर कमीशन के रूप में शासन से प्राप्त होने वाली राशि का कहीं अता पता नहीं है। यही वजह है कि पीडीएस विक्रेताओं ने राज्य शासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जून माह के भीतर यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे जुलाई माह से काम बंद कर देंगे। बहरहाल चावल विक्रेता संघ की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने राज्य शासन को अवगत कराने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य शासन की ओर से जो भी कार्रवाई होगी जल्द से जल्द उनको अवगत कराया जाएगा। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। और इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। यू स्टॉप नाइट रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जुड़िए संसार से, हमारी रफ्तार से। TV9 भारत वर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well-qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। कॉन्टैक्ट 7024144981 और 828384। कौन सी है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात एक्सप्रेस रिपोर्टर में होगी बिलासपुर की। बिलासपुर में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अब ये चिंता पुलिस के आला अफसरों को भी सताने लगी है, इसलिए गुंडों की निगरानी की जा रही है। पिछले 3-4 दिनों में गुंडे तत्वों की अराजकता इतनी बढ़ गई है कि शहर में शांति भंग हो गई है। इसको लेकर के आला अफसरों को हालांकि तैयारी शुरू से करनी थी, लेकिन पुलिस जैसा कि पुलिस की कार्यशैली होती है कि पहले घटना का इंतजार करती है, घटना होने देती है, उसके बाद वो आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। लगातार अपराध के बाद जिले के SP प्रसाद अग्रवाल ने इस मामले में थानेदारों को बुलाया है, मीटिंग ली है और निर्देश दिया है कि वो जितने भी उनके क्षेत्र के गुंडे बदमाश हैं, निगरानी बदमाश हैं, उनकी हाजिरी लें और उनको समझाइश दें कि शहर में शांति का माहौल बना रहे। हालांकि इस मामले में SP ने निर्देश दिए हैं, थानेदार कुछ ने काम किया है, कुछ ने नहीं किया, लेकिन अभी कितना करेंगे और कब करेंगे ये देखने वाली बात है।
गुंडों की बदमाशी से न्यायधानी थर्रा गया है। लगातार चौक चौराहे में दुर्घटनाएं और घटनाएं और हत्या और तमाम दूसरे तरीके से अपराध हो रहे हैं। इसको चलते बिलासपुर एसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि वो गुंडे बदमाशों पर नजर रखें। बिलासपुर से प्रधानमंत्री गरीब योजना में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल नहीं होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जताई नाराजगी। इस मामले में दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं। आश्चर्यजनक, या तो मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं या उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों की पलायन की कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन में ही लगभग 2-3 लाख मजदूर वापस लौटे हैं और लगभग इतने ही अभी दूसरे प्रांतों में होंगे। मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 लोकसभा में सांसद चुनकर भेजे हैं, जिनके कारण आप प्रधानमंत्री बने। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता पहले ही जता चुके हैं नाराजगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। दो अलग अलग मामले में फरार चल रहे दो आरोपी सुबह पुलिस के हाथ चढ़े। पिछले एक साल से फरार चल रहा 5,000 का इनामी सुबह पुलिस ने झांसी शहर से पकड़ा। सुबह पुलिस को अलग अलग मामले में दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। अपराध क्रमांक 50/19 धारा 376 एवं अन्य धाराओं का आरोपी पिछले एक साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। एक साल से पुलिस की आंख में धूल झोंकने वाले आरोपी को पकड़ने में पड़ी पुलिस को सफलता हाथ लगी और उसे झांसी शहर से गिरफ्तार किया गया। वहीं स्थायी वारंटी दूसरे आरोपी पप्पू उर्फ रामगोपाल कुशवाहा निवासी राजगढ़ को भी गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन व पवई SDOP रक्षपाल सिंह यादव के मार्गदर्शन में पवई थाना प्रभारी SP शुक्ला की अगुवाई में की गई। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पवई से एक्सप्रेस रिपोर्टर सतीश पटेल। गणेश हाथी की मौत पर BJP ने उठाया सवाल। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बोले, हाथी मरा नहीं, उसे मारा गया। दरअसल धर्मजयगढ़ में हाथी की मौत के मामले ने फूल पकड़ लिया है। BJP ने अपने आरोप में कहा कि यह हाथी मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। वन विभाग को पहले से ही पता था कि यह गणेश हाथी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि वन अमले ने हाथी से बदला लिया है। हाथी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल अधिकारियों का ट्रांसफर कर खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके जिम्मेदार लोगों पर FIR दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। बता दें कि बीते 10 दिनों में राज्य में आधा दर्जन हाथियों की मौत हो गई। बीते गुरुवार धर्मजयगढ़ में गणेश हाथी की मौत हुई, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिकारियों ने करंट लगने की वजह से मौत बताई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। सरकार के आदेश के बाद भी 5 दिन दुकानें खुलेगी और दिन शनिवार और इतवार को दुकानें बंद रहेगी। आज न्यूमार्क क्षेत्र की अधिकतर दुकानें बंद रही। कोरोना महामारी को देखते हुए राजधानी में 5 दिन मार्केट खुले रहने के आदेश के बाद शनिवार को मार्केट बंद देखने को मिले। शनिवार और रविवार को भोपाल के बाजार बंद रखे गए। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई। कर्मचारियों का कहना है कि वीकेंड की जगह किसी और दिन शहर को बंद रखा होना चाहिए। वीकेंड पर शहर के बंद रखने का फैसला कोरोना के प्रसार को रोकने में मददगार साबित हो पाएगा। शनिवार व रविवार की छुट्टी के दिन होने के कारण जिस मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी, कोरोना के कारण आज मार्केट में सन्नाटा देखने को मिला। 2 दिन दुकानें बंद लेने को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आया। देखता होगा क्या आलोक बाग खुद दुकानदार अपनी दुकानें कितने दिन बंद रख पाते हैं और क्या उनको समझाइश की आवश्यकता होती है या नहीं। आज पहला दिन है कि 2 दिन दुकानें बंद रखने को लेकर। अब देखना होगा, समय बताएगा कितनी देर तक एक दुकानदार भी इंतजार करते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदीवे, भोपाल। शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में एक बार फिर श्यान सदन के नाम पर करोड़ों खर्च कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में श्यान सदन के नाम पर एक बार फिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत लाखों में नहीं करोड़ों में बताई जा रही है। आपको बता दें कि शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में पहले से ही 4 जगहों पर करोड़ों की लागत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें से अधिकांश दुकानें जर्जर हो चुकी है तो वहीं कई दुकानों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। नगर पालिका द्वारा वर्षों पूर्व करोड़ों खर्च कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो करा लिया गया, मगर जरूरतमंदों को नहीं दिया गया है। इसके चलते इन कॉम्प्लेक्स की दुकानों में ताले लटके हुए हैं। वहीं एक बार फिर बुजुर्गों के लिए बनाए जाने वाले श्यान सदन में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि समझ से परे है।
वहीं नगर पालिका क्षेत्र के चार जगहों पर बने करोड़ों के कॉम्प्लेक्स में लटके ताले और बंद शटर उन कॉम्प्लेक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके नगर पालिका द्वारा श्याम सदन के नाम पर फिर से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि समझ से परे है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ अब कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और जुलाई माह में हड़ताल पर जाने की तैयारी कर चुके हैं। भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाली 41 फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल के मूड में हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव सामने लेकर आए हैं। इस पर कर्मचारी बेहद नाराज हैं और उन्होंने अब जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में हड़ताल करने की तैयारी कर ली है। ऐसे समय में जब भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन की सीमा के साथ विवादों में घिरी हुई है, तब हड़ताल अनुचित है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। मझगावा तहसील के महताइन गांव में सरकारी राशन दुकान के कोटेदार की मनमानी इस कदर हावी है कि वह खुलेआम गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है। महताइन गांव के कोटेदार कृष्ण भैया गौतम द्वारा प्रतिमाह हजारों रुपए के राशन की चोरी की जाती है। कोटेदार के द्वारा बीपीएल हितग्राहियों को मिलने वाले राशन में से प्रति 5 किलो में से 1 किलो कम तौल कर दिया जाता है, यानी जिस हितग्राही को 20 किलो राशन मिलता है उसका सीधा सीधा 5 किलो राशन कम कर दिया जाता है और हर महीने 8 से 10 क्विंटल गेहूं और चावल की चोरी की जाती है और उसे बाजार में बेचा जा रहा है और गरीबों के हक पर वह सीधा सीधा डाका डाल रहा है और कोटेदार मालामाल हो रहे हैं। कोटेदारों द्वारा राशन की चोरी कोई नई बात नहीं है, तो हर महीने होता है। खाद्य विभाग से लेकर शासन प्रशासन के सारे अधिकारियों को जानकारी भी होती है, लेकिन राशन चोर कोटेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे इन चोरों के हौसले बुलंद हैं। सरकारी राशन दुकानों के कोटेदारों पर कोई अंकुश न होने के कारण वे बेलगाम होकर बीपीएल हितग्राहियों का राशन चोरी कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मझगवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री के सामने कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर की नारेबाजी। ग्वालियर 15 विधानसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री तरुण भनोट के सामने आज कांग्रेस कार्यालय में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। इतना ही नहीं, टिकट के दावेदार नारेबाजी करते रहे और उनके कक्ष में दाखिल हो गए और हंगामा कर दिया। इस दौरान जब तरुण भनोट से सवाल किया गया तो उन्होंने बेतुकी सफाई देते हुए कहा कि ये कार्यकर्ता मेरे नहीं हैं, बल्कि आपके ग्वालियर के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि ये हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है जिसे आप अनुशासनहीनता मान रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछा गया तो वो तिलमिला गए और मीडिया पर ही आरोप लगाने लगे। कोरोना काल में जिस तरह से कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। पार्टी की राशन दुकान पर नहीं मिल रहा है लोगों को राशन। चार गांव के लोग निर्भर है इस राशन दुकान पर। प्रतिदिन लग रही है यहाँ भीड़। सेल्समैन के अनुसार POS मशीन खराबी के चलते नहीं हो पा रहा है वितरण। आपको हम बता दें कि पार्टी की जो उचित मूल्य की दुकान है उस पर पार्टी सहित चार गांव बूंदी आवली वर्कवेड़ा के करीब 3200 कार्डधारी निर्भर है। वहीं राशन दुकान के सामने प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है। कई लोगों का कहना है कि हमें कई किलोमीटर का पैदल सफर करके यहां पर आना पड़ता है और कई लोग लगातार बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनको राशन नहीं मिल पा रहा। वहीं राशन दुकान के सेल्समैन का कहना है कि POS मशीन में खराबी के चलते राशन का वितरण नहीं हो पा रहा। हमारे द्वारा अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वहीं उक्त मामले को लेकर हमने जब जिले में अधिकारियों से चर्चा की तो उनका कहना था कि POS मशीन की खराबी को लेकर हमने भोपाल तक के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी आज तक मशीनें चालू नहीं हो पाई है। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। और इसी के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।